नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केजरीवाल की रैली में किसान ने मौत को गले लगाया। आम आदमी पार्टी की किसान रैली के दौरान जंतर मंतर पर बुधवार को एक व्यक्ति ने पेड़ पर लटक कर खुदकुशी कर ली। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। गजेंद्र नामक यह व्यक्ति राजस्थान के दौसा का रहने वाला था। पुलिस को युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। बताया जाता है कि इस घटना के बाद भी आपके किसी नेता ने किसान की सुध नहीं ली, बल्कि रैली में भाषण देते रहे। आप नेता कुमार विश्वास ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में ऐसा कैसे हुआ, इसका जवाब पुलिस को देना चाहिए। किसान ने चिट्ठी में लिखा कि उसके 3 बच्चे हैं, बेमौसम बारिश के कारण फसल बर्बाद हो गई और घर में खाने को कुछ नहीं है। पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। बिहार में तूफान से 32 लोगों की मौत, 80 घायल। बिहार के कई जिलों में बीती रात आए भीषण तूफान से 32 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। तूफान से कई मकान नष्ट हो गए और फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के मुख्य सचिव व्यास ने बुधवार को यहां बताया कि पूर्णिया जिले में सर्वाधिक 25 लोगों की मौत होने की खबर है। मधेपुरा में तूफान से 6 व्यक्तियों की जान गई, जबकि 1 व्यक्ति की मौत मधुबनी में हुई। तूफान की वजह से हजारों पेड़ उखड़ गए, बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई, हजारों मकान और झोपड़े नष्ट हो गए तथा मक्का, गेहूं और दालों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। नेपाल में बस दुर्घटना, 17 भारतीय श्रद्धालुओं की मौत। भारतीय श्रद्धालुओं से भरी एक बस नेपाल में करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार 9 महिलाओं सहित कम से कम 17 लोगों की मृत्यु हो गई और 28 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक विश्वराज पोखरेल ने बताया कि गुजरात से श्रद्धालुओं का जत्था काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर से गोरखपुर के लिए लौट रहा था। बस में 45 श्रद्धालु सवार थे। दुर्घटना काठमांडू से 75 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी धादिंग जिले के नोवाइस गाँव में हुई थी। इंटरनेट पर फैसला सरकार लेगी, ट्राई नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष और अमेठी से सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा उठाया। इस पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंटरनेट पर फैसला सरकार लेगी, ट्राई नहीं। हमारी सरकार चाहती है कि 125 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट हो। इंटरनेट निरपेक्षता की पुरजोर वकालत करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नेट निरपेक्षता सुनिश्चित करने के लिए कानून में बदलाव करने या नया कानून बनाने की मांग की। राहुल ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह इंटरनेट को भी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांटना चाहती है। भाजपा सांसद को धमकी देने वाला नेता गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भाजपा सांसद प्रियंका रावत को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी देने तथा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा के आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक भानु पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के विरोध में सांसद के खिलाफ उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोलते हुए धरने पर बैठकर नारेबाजी की और उनका पुतला फूंका। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।